खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को अपने निशाने पर लेते हुए एक बहुत बड़ी बात बोली है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दरअसल अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने एक ऐसी रैली जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। क्या कहा? दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हाथ साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा तो हाथ को हैंडल पर से हटा दिया जाएगा, यानी सीधे-सीधे कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से हटाने की बात कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव बेहद नाराज है कांग्रेस पार्टी से, जिस तरह से कांग्रेस का रवैया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में गठबंधन को लेकर रहा है, उसे लेकर अखिलेश यादव और मायावती बेहद नाराज नजर आ रही हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बनने वाले महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी को अलग कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो महागठबंधन के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का गठबंधन एक बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की राह अब महागठबंधन में शामिल होने की बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल, जय हिंद जय भारत।